क्या 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 आपको पता है अपने गेम के अंदर टाइटल्स वाला ऑप्शन है और इसमें हम टाइटल्स लगा सकते हैं लाइक हेड एक्सपर्ट, हेड हंटर, डोमिनेटर और वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है 5 ईयर ओल्ड वाला, 4 ईयर ओल्ड वाला, 6 ईयर ओल्ड वाला और यहाँ तक कि 7 ईयर ओल्ड वाला। अगर हम ये ओल्ड वाले बैजेस लगाते हैं, टाइटल्स लगाते हैं, तो सामने वाले लोगों पर चलेगी भाई हम इतने टाइम से फ्री फायर खेल रहे हैं। आखिर हम लोगों को अगर सारे के सारे टाइटल्स लेने, जैसे कि मेरे यहाँ पे काफी टाइटल्स लॉक्ड है, अगर मेरे को सारे के सारे टाइटल्स लेने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सारे के सारे टाइटल्स अनलॉक हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन सारे के सारे टाइटल्स को अनलॉक कर पाओगे। वैसे ही हम मुझे किधर आज की इस वीडियो में ऐसे कमाल के मिस्ट्रीज और अनन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना और अगर किसी को पता है कि ये बच्चा किसका है तो प्लीज कमेंट करके बताओ यार, हमेशा मेरे वीडियो में आ जाता है ये साला। फैक्ट नंबर 5 गाइस, अभी जो आपको फैक्ट बताने वाला हूं ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। मतलब ये फैक्ट आज तक फ्री फायर में कभी हुआ ही नहीं होगा, मतलब ऐसी चीज हमारे फ्री फायर में हुई है पहली बार जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई पहले। गाइस आप इस टोपी को देखो, इस टोपी का नाम है 6th एनिवर्सरी हैट और जो कि एक एक्सक्लूसिव 6th एनिवर्सरी का हैट है, मतलब टोपी है। मतलब फ्री फायर हमें टोपी पहनाना चाहता है, टोपी द सेंस ये हैट की बात कर रहा हूं ये। और ये इतना तो यूनिक क्यों है बताऊं, दिखने में भाई ठीक ठाक सा है, ऐसा ना बोलूंगा बहुत अमेजिंग टोपी है लेकिन ठीक ठाक सा है। लेकिन एक ऐसे लेजेंडरी इवेंट में आया है जो कि आज से पहले फ्री फायर में कभी आया नहीं है, जैसे कि मुझे टोपी फ्री फायर ने सेंड किया और मेरे साथ ही काफी सारे फ्री फायर के पार्टनर्स को सेंड किया। एंड जैसे उन्होंने सेंड किया उन्होंने हमें एक ही बात बोली कि यो टोपी पहन के आपको रैंडम प्लेयर के साथ खेलना है। भाई पहले तो हम शौक हो गए भाई रैंडम प्लेयर के साथ क्यों खेलना है, तो उन्होंने बताया ये टोपी इवेंट से नहीं मिलेगी, अगर ये टोपी आपके स्क्वाड में किसी ने पहना है और फिर उसके बाद आप क्लैश स्क्वाड खेलते हो या फिर बैटल रॉयल फुल में आप खेलते हो तो आपके टीममेट्स को उसके बाद ये टोपी मिलेगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है, गरीना फ्री फायर ने पहले हम सभी पार्टनर्स को टोपी पहनाया और उसके बाद गरीना फ्री फायर बोलता है कि सभी पार्टनर्स मिलके बाकी ऑडियंस को टोपी पहना। मतलब एक मैं आपको अजम्पशन बताता हूं, अज्यूम करते हैं कि हम पार्टनर्स को मिला 80-90 पार्टनर्स को मिला होगा और इंडियन सर्वर में 80-90 पार्टनर्स को मिला है और हम 80-90 पार्टनर्स अगर ये इवेंट खत्म होने तक कभी भी टोपी पहन के नहीं खेलते अपने टीममेट के साथ या फिर रैंडम प्लेयर के साथ तो किसी को नहीं मिलेगा। वैसे मैंने रैंडम प्लेयर से काफी ज्यादा हेल्प की है टोपी अचीव करने में, अगर आपके पास टोपी आ चुकी है तो आप भी टोपी को पहनो, रैंडम प्लेयर के साथ खेलो, उनको भी ये टोपी मिलेगा। तो यार आप किसका वेट करो, अगर आपके पास ये टोपी है तो जाके दूसरों को भी टोपी पहनाना शुरू कर दो, अरे भला करो यार लोगों का। और अभी टोपी वाला इवेंट सिर्फ 6 दिन के लिए बचा है तो यार जल्दी जल्दी करो, लोगों को टोपी पहनाओ आप भी। फैक्ट नंबर 4, आज के टाइम पे बीआर में बोलो या फिर सीएस में बोलो सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड गन है वो है AWM। अगर आपको AWM चलानी आ गई ना बहुत अच्छे से, अगर आपकी AWM की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, जब भी आप AWM से शॉट्स मार रहे हो तो सामने वाले बंदों को लग ही रहे हैं, इसका मतलब भाई आप बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड प्लेयर हो। और अगर आपके स्क्वाड में एक AWM प्लेयर है मींस तो भाई फिर तबाही मच जाने वाली है। लेकिन फिर आप मुझे बोलोगे मनीष भाई हम AWM चलाने की कोशिश तो करते लेकिन हमसे चलती नहीं है, और मेरी तरह काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और फिर बंदों को मारना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे में मेरी AWM इंप्रूव होगी। भाई आप AWM चलाना जानते हो मुझे पता है, लेकिन आपको AWM में अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कैसे करनी है ये आपको नहीं पता। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर रैंडम बंदों को मारने से एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होगी। मैं आपको ट्रिक बताता हूं ना आपको अपनी AWM की एक्यूरेसी इंक्रीज कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार AWM चलाना सीख लिया ना 150 का डैमेज दो बंदों को, फिर बाकी तो भाई 50 डैमेज तो ऐसे ही दे देंगे हम लोग। तो पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में यहां पे आना है, फिर यहां पे सिलेक्ट कर लेना है एडवांस सिलेक्ट कर लेना या फिर बिगिनर सिलेक्ट कर लेना या फिर ये बीच वाला सिलेक्ट कर लेना। मैं तो एडवांस में ही खेलता हूं क्योंकि मुझे एडवांस में खेलना ज्यादा अच्छा लगता है और इससे मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अब यहां पे सामने कुछ सेकंड के लिए पुतला आएगा, आपको कुछ सेकंड के अंदर उस पुतले को मारना ही है। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई करना कि बिगिनर में खेलो, अगर आपको अच्छा खासा AWM चलाना आता है और आप सोच रहे हो कि मैं और अच्छी एक्यूरेसी बढ़ाऊं अपनी तो यहां पे भाई ये पुतले को मारो, आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे। तो ट्राई करना कि आप हर एक पुतले को शॉट एक ना एक मारो ही। अब इससे होगा क्या कि आपकी जो AWM की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। जब आप फुल मैप खेलोगे या फिर क्लैश स्क्वाड खेलोगे, अगर आपके सामने कोई बंदा है और आपकी AWM की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप उसे आराम से 150 का शॉट मार ही दोगे और फिर दूसरा गन स्विच करके 50 का डैमेज तो भाई 2 सेकंड में लग जाएगा। मतलब आप अगर अभी तक AWM को चिंदी गन समझ रहे थे ना, तो आपके पास अभी मौका यार AWM चलाना सीख जाओ, बहुत ज्यादा काम आता है। क्योंकि हमारे स्क्वाड के ऐसा कई बार हुआ है कि एक AWM प्लेयर हमारी पूरी स्क्वाड को तहस महस कर देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है रियल लाइफ में और जो फ्री फायर गेम में जो कैरेक्टर भागता है दोनों ज्यादा फास्ट कौन भागता है? मतलब हमारे फ्री फायर गेम में जो कैरेक्टर्स है वो भी भागते हैं और रियल लाइफ में जो इंसान होते हैं वो तो भागते ही हैं। तो अगर हम कंपेयर करें फ्री फायर गेम में जो कैरेक्टर्स भागते हैं उस स्पीड को और रियल लाइफ में जो इंसान भागते हैं उस स्पीड को, तो दोनों में ज्यादा फास्ट कौन भागेगा, रियल लाइफ में इंसान भागेगा या फिर फ्री फायर में कैरेक्टर भागेगा? आप सोच रहे हो कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल देता हूं आपको समझ आ जाएगा। मैं यहां सोशल लैंड में आ चुका हूं और मैंने अपने बंदे को 100 मीटर रेंज में खड़ा कर दिया है, अब मैं उसकी तरफ भागता हूं, अब देखता हूं कि मेरे इस कैरेक्टर को कितना टाइम लगने वाला है और यहां पे मैं अकेले यूज नहीं कर रहा हूं। और मैंने ऊपर लेफ्ट साइड में टाइमर भी लगा दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सेकंड लग रहा है इसको पहुंचने के लिए और मैं पहुंचने ही वाला हूं। और जैसे मैं 100 मीटर रेंज में पहुंचता हूं टाइम होता है 18 सेकंड। मतलब फ्री फायर का एवरेज कैरेक्टर
होता है उसको 18 सेकंड लगते हैं 100 मीटर रेंज कवर करने में, लेकिन रियल इंसान कितना करते हैं, चलो ये चीज का भी पता कर लेते हैं। अगर एक एवरेज इंसान भागेगा तो उसे 100 मीटर कवर करने में 15 सेकंड लगेंगे, एवरेज बता रहा हूँ, 12 से 20 सेकंड के अंदर होता है, लेकिन गूगल के अनुसार 15 सेकंड एक एवरेज इंसान को लग जाता है। अपने फ्री फायर गेम में कैरेक्टर को कितना लगता है, 18 सेकंड, एंड जो एवरेज इंसान होता है वो 100 मीटर कवर कर लेगा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में। जो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान है जिसने 100 मीटर का जो रेस है वो सबसे कम टाइम में कवर किया था, वो है 9.58 सेकंड, जो कि है हुसैन बोल्ट। अब आपको समझ आ रहा होगा कि फ्री फायर कैरेक्टर थोड़ा स्लो भागते हैं, सालों खाया करो यार फ्री फायर कैरेक्टर को, जल्दी भागो यार। फैक्ट नंबर 2, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप AWM चला के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, और आप एक बार AWM एक्यूरेसी इंक्रीज कर लोगे, AWM एक बार एक्सपर्ट बन जाओगे तो भाई आप मतलब गॉड लेवल के प्लेयर बन जाओगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम हेडशॉट मारते हैं ना तो फिर भी लोगों का उतना अच्छा रिएक्शन नहीं आता है जितना हम AWM से शॉट मारते हैं। एक तरफ ऐसा भी आता है कि अगर हमारी ग्लूवल परफेक्ट नहीं लगती है ना तो काफी लोग हमें गाली देते हैं, शायद ग्लूवल लगाना भी नहीं आता। आखिर हम ग्लूवल की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या ग्लूवल प्रैक्टिस करने के लिए हमारे गेम में कोई मोड है? बहुत सारे लोग ऐसे रहते होंगे जो ग्लूवल प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड कस्टम खेलते हैं, क्लैश कॉड का जो अनलिमिटेड ग्लूवल का कस्टम होता है ना वो खेलते हैं, या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसे आते हैं और यही भाई खेलते रहते हैं आड़े टेढ़े। यार इसके लिए भी स्पेशल चीज है ना, अगर आपको ग्लूवल परफेक्ट लगाना है, अगर आप लोगों को ग्लूवल में परफेक्ट बनना है और आपको ग्लूवल एक्सपर्ट बनना है, ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे आना, ये ग्लूवल स्कूल है, इसके अंदर आना। इसके अंदर आगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किस तरीके से ग्लूवल की प्रैक्टिस करनी जिससे आप ग्लूवल लगाने में परफेक्ट बन जाओगे। ये जगह दिख रही है बीच में, जितनी जगह खाली है रेड नहीं, यहाँ पे वहां पे आपको आना है, फिर ग्लूवल लगाना है, आपको मैप में देख के लगाना है, मैप में कहां से फायर हो रहा है उससे पहले लगाना है, और आप जितना भी फायर करेगा वो सामने वाला मशीन उस सबको ब्लॉक करना है। ये देखो पीछे आ गया, और कभी कभी सामने आ जाता है, कभी बाजू में आ जाता है, और याद रखना कि जो रेड वाला है उधर ना चला जाए आपका ग्लूवल, जैसे मेरा उस तरफ कभी कभी चला जा रहा है तो इसका मतलब मैं ग्लूवल में परफेक्ट नहीं हुआ हूं। ये जो अंदर वाला है ना इसके अंदर ही ट्राई करना कि आप ग्लूवल लगाओ, बाहर लगाओ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ग्लूवल की एक्यूरेसी मैटर करती है, आप कितना सही से ग्लूवल लगाते हो। जैसे कि इसके अंदर लगाओगे तो समझ जाना कि आपकी ग्लूवल की एक्यूरेसी बनते जा रही है, और आप बार बार डॉच कर रहे हो सामने वाले मशीन के जो गन्स को, एमओ को, तो फिर हाँ यार आप इंप्रूव कर रहे हो ग्लूवल की एक्यूरेसी में भी, और ग्लूवल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है दोस्तों। और एक बार आप यहाँ पे परफेक्ट बन जाते हो तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी ग्लूवल की एक्यूरेसी अच्छी खासी है। गाइस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आया, तो गाइस क्या करो, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो, जैसे वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आप इस बंदे के पास पहली बार सुनी है मतलब सच में आप हमारे चैनल पे नए आए हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग फ्री फायर अपडेट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो यहाँ से वीडियो को लाइक करके GWMS चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, आखिर हम इन सभी टाइटल्स को अनलॉक कैसे कर सकते हैं? पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अचीवमेंट्स का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे आपको मिशन देखने मिलेगा। अब यहाँ पे जो मिशन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप हर मिशन को कंप्लीट करोगे तो आपको सारे टाइटल्स अनलॉक नहीं होंगे। जैसे कि मैंने ये वाला मिशन कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड दिख रहा है नीचे, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ना ये मुझे क्लेम तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट ऐड कहाँ होगा, ये वाला सेक्शन में ऐड होगा, और जैसे ही ये पॉइंट्स मेरे कंप्लीट होंगे मुझे ये वाले रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मली जो मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको टाइटल्स अनलॉक नहीं होगा। टाइटल्स अनलॉक करना है तो आप लोगों को देखना है कि वो वाले मिशन में क्या नीचे में ये ऐसा सिंबल आ रहा है, अगर ऐसा सिंबल आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप ये मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको एक टाइटल अनलॉक होगा, और टाइटल का नाम वहीं पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे CS हीरो लिखा है, और यहीं पे सेम ऐसा मिशन दिया जाएगा कि आपको इतने किल करना है या फिर CS में ऐसा ऐसा करना है, तो आपको CS हीरो वाला टाइटल मिल जाएगा। वैसे ही ग्रेनेड का भी होता है, उसका नाम होता है बूम मास्टर, और अगर आपके पास 100 इमोट है तो आपको एक्टर वाला एक मिलेगा टाइटल, अगर आपके पास 12 इवो गन की स्किन है तो आपको इवो किंग मिलेगा, और अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 200 बंदे ऐड है मतलब आपके फ्रेंड लिस्ट में 200 बंदे हैं वहां पे आपको वर्ल्ड कनेक्ट वाला टाइटल देखने मिलेगा। वैसे अपने गेम के अंदर 4 ईयर ओल्ड वाला है, 5 ईयर ओल्ड वाला है, 6 ईयर ओल्ड वाला है, 7 ईयर ओल्ड वाला भी है, वैसे आपको देखना है कि वो 4 ईयर ओल्ड वाला कहां है, वहां पे आप जाना आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने दिन गेम खेला है वो पेंडिंग रहेगा। जैसे मुझे 4 ईयर ओल्ड वाला टाइटल चाहिए तो मुझे 100 दिन और खेलना पड़ेगा, या सिंपली 100 दिन लॉगिन करना पड़ेगा। 5 ईयर ओल्ड के लिए 400 दिन लगेगा, 6 ईयर ओल्ड के लिए 700 दिन लगेगा, और 7 ईयर ओल्ड के लिए मुझे 1200 दिन लगेगा। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने टाइटल से उसको सभी को अनलॉक कर सकते हो। आज के वीडियो को ये पे रैप अप करते हैं, होप करता हूं आप लोग आज को पसंद आया होगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लिप बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।